गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये लेसन नंबर 7 हमने अपना स्टार्ट कर दिया था सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, है ना। इसके ये पेज नंबर 46 तक तो हम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे लिखा भी है ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम सब एज मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में क्या होता है, कोई ना कोई कमी होती ही है। तो इसमें लिखा है ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, मतलब हम सब में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसके पास सब कुछ हो या वो सब कुछ कर सके, है ना। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कोई अच्छा गाना गा सकता है, कुछ अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ अच्छी पोइट्रीज लिख लेते हैं ना, कुछ पेड़ पे जल्दी चढ़ जाते हैं। तो मतलब सबके पास एक अपना अलग टैलेंट होता है ना, सबके पास अपना अपना एक अलग गॉड गिफ्ट होता है सबके पास, कि कोई अच्छे से गाना गा लेता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते बट उनकी ड्राइंग अच्छी होती है, पेंटिंग अच्छी होती है ना। तो हर किसी के अंदर एक अलग अलग प्रकार का टैलेंट होता है। तो ये हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। तो जो बोल नहीं सकते हैं या जो नहीं सुन सकते हैं वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, वो साइन लैंग्वेज समझते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि साइन लैंग्वेज क्या है, थ्रू योर एक्शन और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप सामने वाले इंसान से कॉन्टेक्ट करते हैं या अपनी बातों को उनके सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। देखिए फिर यहाँ लिखा है ये पोएम के थ्रू इसने बताया है अपनी बहन के बारे में, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मतलब मेरी एक बहन है जो कि सुन नहीं सकती है। आपको मैंने बताया था कि जो लोग सुन नहीं सकते उनको डेफ कहते हैं और जो बोल नहीं सकते हैं उनको डम कहते हैं। ओके, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डेफ, मेरी एक बहन है जो कि बहरी है। डेफ मीन्स क्या होता है, बहरी। तो शी इज स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइंड, जैसी मेरी बहन है वैसे सिस्टर किसी की नहीं होगी, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उसके अंदर काफ़ी क्या है, टैलेंट है, वो काफ़ी टैलेंटेड है। अब देखिए उसकी सिस्टर में क्या क्या टैलेंट है ये देखते हैं हम। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी जो बहन है वो भले सुन नहीं सकती है बट वो पियानो बजा सकती है, वो काफ़ी अच्छा पियानो बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रंबलिंग कॉर्ड्स, मतलब वो कॉर्ड्स को भी फील कर सकती, मतलब वो जो पियानो में ट्यून बजाती है उनको वो फील कर सकती, भले वो सुन नहीं सकती है बट वो फील कर सकती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, मगर वो गा नहीं सकती है क्योंकि एक तो वो डेफ भी है और वो क्या है, डम भी है। तो वो ना ही अपने म्यूज़िक को सुन सकती है और ना ही वो अपने म्यूज़िक को गा सकती है, वो केवल उस म्यूज़िक को बजा सकती है मगर वो सिर्फ उस म्यूज़िक को फील कर सकती है, ठीक है ना। She cannot hear the tune, वो उस ट्यून को, वो जो ट्यून वो बजाती है उस ट्यून को वो सुन नहीं सकती है। She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars, है ना। उसे मतलब उछल कूद करना पसंद है, उसे पेड़ पे चढ़ना पसंद है, जैसे मंकी जो होते हैं उछल कूद करते हैं, है ना, उसे घूमना टहलना भागना कूदना उसे सब कुछ पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी बहन ने स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है। ऑल दो आर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप्स रीड एट होम, मतलब जो मेरी मम्मा है, मतलब हम दोनों की जो मम्मा है वो उसको पूरी हेल्प करती हैं उसके लिप्स रीडिंग करने में, या हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, धीरे धीरे लिप्स को हम चलाते हैं, मूव करते हैं जिससे कि वो हमारी बात को समझ जाए और हम उसकी बात को समझ जाएँ। द टीचर एंड चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, मतलब जो टीचर है स्कूल में, जो टीचर्स हैं और जो चिल्ड्रेन हैं वो उसकी बात को आसानी से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, है ना। और वो जो इसकी सिस्टर है वो क्या है, डेफ भी है और डम भी है, तो वो इतनी ईजिली किसी के वर्ड्स को नहीं कैच कर पाती है। तो फिर देखिए शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने अपने सन ग्लासेस पहने थे कल। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, उसके फ्रेम्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो उसके लेंसेज थे, ग्लासेस जो थे वो ब्लैक कलर में थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ, मेरी बहन ने मेरे ग्लासेस को उतार दिया। देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रही थी तो उसने मेरे ग्लासेस को क्या कर दिया, उतार दिया, क्योंकि उसे मेरी बात को समझने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरे लिप्स को रीड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी आँखों के एक्सप्रेशन से भी वो रीड करती है।
What do my brown eyes say to her brown eyes? मतलब वो आँखों के एक्सप्रेशन से भी समझती है कि मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ, और वो अपने आईज एक्सप्रेशन से भी मुझे समझाने की कोशिश करती है कि वो क्या कहना चाहती है. ओके, तो मतलब कुछ ऐसे भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं हमारे आसपास जो डेफ होते हैं या डम्ब होते हैं या कुछ ब्लाइंड भी होते हैं, तो वो जब स्कूल जाते हैं तो उनकी जो स्टडी होती है वो किस लैंग्वेज के थ्रू होती है, साइन लैंग्वेज के थ्रू होती है ना. अगर ऐसे कोई भी बच्चे आपके आसपास हैं तो आपको उनको चिढ़ाने की बजाय उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि वो भी आप जैसा बिहेव कर सके, ना ही ना कि वो अपने आप को हेल्पलेस फील करे. ओके, तो यहाँ से ये जो चैप्टर है हमारा क्या हो चुका है, कम्प्लीट हो, यहाँ सॉरी पोएम कम्प्लीट हुई है. अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखिए पेज नंबर 48 में, पेज नंबर 47, ये दो सिस्टर्स बनी हुई हैं, आंखों के एक्सप्रेशन से एक दूसरे को समझ रही हैं ना. थ्रू दिस स्टोरी इट कैन बी डिस्कस्ड दैट वी हैव डिफरेंट एबिलिटीज़. इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम सब के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ हैं. बाय इनकॉर्पोरेटिंग द चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंसेस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस इशू कैन बी एनहेंस्ड, है ना. तो हर व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने एक्सप्रेशन को मतलब सामने वाले से शेयर कर पाते हैं. आर आईज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रेन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स. इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू. मतलब आईज जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके थ्रू भी कुछ लोग उस चीज़ को समझते हैं, लोगों को सामने वाले को रीड करते हैं कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है ना. द फेस इज अ मिरर. ठीक है, अब ये जो हमने अभी पोएम रीड किया इसको आप भी पढ़िएगा, और अब जो है हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.